आज हम सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इससे पहले हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 11th 12th क्लास के लिए बहुत यूज़फुल हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानेंगे होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को मुख्य उपवाक्य कहते हैं और सबॉर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं। इसी तरीके से जैसे इसमें दिया है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। सेंटेंस का वह भाग जो अपने अर्थ के लिए स्वयं स्वतंत्र होता है। प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वह भाग होता है जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होता है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है। जबकि सबॉर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वह भाग होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अब सबॉर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती हैं ये भी जानेंगे। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज थ्री टाइप्स होती हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक नाउन क्लॉज, नंबर दो एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर तीन एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो हम ये भी जान चुके हैं कि सबॉर्डिनेट क्लॉज थ्री टाइप्स होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में जानेंगे। नाउन क्लॉज के लिए डेट का यूज करते हैं और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज रॉन्ग, इट इज करेक्ट, वो गलत है, ये सत्य है। तो हम देख रहे हैं ही इज़ रॉन्ग जो है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है और इट इज़ करेक्ट जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को आगे रख लेंगे और लिखेंगे इट इज़ करेक्ट डैट ही इज़ रॉन्ग, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जैसे हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, यू स्टोल द पर्स डू यू
deny it. तुमने पर्स चुराई, क्या तुम इसे अस्वीकार करते हो? तो ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लाज है और इस पे जोर दिया जा रहा है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लाज है और इसी को लिखेंगे डू यू डिनाई डैट इट वगैरह हटा दिया जाता है और फिर लिखेंगे यू स्टोल द पर्स। और हम ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव में काउंट किया जाएगा। जैसे तीसरे एग्जांपल पे गौर करें, यू शुड रिमेंबर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल क्लॉज है यू शुड रिमेंबर और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो हम क्या करेंगे, यू शुड रिमेंबर फिर डेट लगा देंगे और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इस तरीके से ये भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि नाउन क्लास के लिए डैट का यूज़ बिल्कुल नरेशन की तरीके से ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की मदद से करेंगे कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी जिस सेंटेंस पे सबॉर्डिनेट क्लास डिपेंडेबल होगी उसको पहले रखेंगे और डैट लगा के सबॉर्डिनेट क्लास को जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम नाउन क्लास के दूसरे रूल पे गौर करते हैं। दूसरा नियम क्या ध्यान रखना है, अगर सबॉर्डिनेट क्लास में मे बी दिया हो तो इफ का यूज करेंगे और मे बी को भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो दूसरे नियम को भी गौर करेंगे, अगर सबॉर्डिनेट क्लास में मे भी दिया है तो डैट की ही जगह पे आपको इफ का यूज करना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मे भी को इज एम आर में चेंज कर देना है। कैसे, इसको भी गौर करते हैं। आई कांट से राम मे बी इल, तो मे बी की वजह से डैट की जगह पे हमें क्या इफ का यूज करना है। अगर ये मे बी की जगह पे यहां पे इज दिया होता तो हम डैट ही लगाते हैं, लेकिन हम जब देख रहे हैं कि मे बी दिया है तो हम डैट का यूज ना करके इफ का यूज करेंगे। ठीक, तो किस तरीके से आई कांट से, अब कंजक्शन नाउन क्लास के लिए इफ लगेगा, राम राम के हिसाब से मे बी इज में ट्रांसफर होगा और क्या हो जाएगा इल, और इस तरीके से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान हमें क्या रखना, अगर कभी भी सबॉर्डिनेट क्लास में मे बी दिया है तो मे बी को हटा के इज एम आर का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे और डैट की जगह पे इफ का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब भी हम इफ का यूज करते हैं, वो भी गौर करेंगे।
तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेंगे. हैज ही कम बैक फ्रॉम सीतापुर. आई डोंट नो. तो हम जानते हैं आई डोंट नो क्या प्रिंसिपल क्लास है और हैज ही कम बैक फ्रॉम सीतापुर ये सबॉर्डिनेट क्लास है. तो फिर इसको भी अगर हम सही करेंगे तो किस तरीके से आई डोंट नो. अब हम देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो बिल्कुल नरेशन बेस्ड ही. यहाँ पे कंजक्शन आप क्या इफ ही का यूज करेंगे और फिर आप लिख देंगे ही हैज कम बैक फ्रॉम सीतापुर. और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो ध्यान हमें क्या रखना है कि अगर कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लास में है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब भी हम इफ का यूज करेंगे और उसी टेंस का असर्टिव बना देंगे. ठीक है. अब हम नाउन क्लास के रूल नंबर 3 को सीखेंगे. रूल नंबर 3 क्या याद रखना, अगर सबॉर्डिनेट क्लास क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वही क्वेश्चन वर्ड नाउन क्लास का कार्य करेगा. तो अब हम नाउन क्लास के तीसरे नियम को गौर करेंगे. यह सबॉर्डिनेट क्लास क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड नाउन क्लास का कार्य करेगा. और इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं. वेयर हैव यू पुट माय बुक्स प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी. तो हम देख रहे हैं वेयर हैव पुट माई बुक्स. तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये प्लीज टेल मी मुझे बताइए यही आपकी प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि ये सेंटेंस जो है सबॉर्डिनेट इस पर डिपेंडेबल है. तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल क्लास को वैसे रख लेंगे. प्लीज टेल मी और वेयर जो है ये नॉन क्लास के लिए वर्क करेगा. वेयर फिर सब्जेक्ट आ जाएगा. यू हैव पुट माय बुक तो ये हो जाएगा प्लीज टेल मी वेयर यू हैव पुट माय बुक. तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कंबाइन हो जाएगा. तो इसमें भी हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल नरेशन के तरीके से नाउन क्लास का कार्य करेगा. ठीक है. हमें उम्मीद है कि आप नाउन क्लास को बहुत आसानी से सीख चुके होंगे. एडजेक्टिव की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए.